नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजीव गुसाई प्रॉपर्टी एडिक्शन चैनल से। आज मैं आपको लेके आया हूं पनाश वैली। बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे कि सर आप पनाश वैली की वीडियो नहीं बना रहे हो, वहां का कुछ नहीं दिखा रहे हो। दोस्तों यहां आपको मिलेंगे MDDA अप्रूव्ड विलास, और ये एक गेटेड कम्युनिटी है जो कि सहजदारा रोड पर पड़ती है, किरसाली चौक से ऊपर ISIPS कॉलोनी उषा कॉलोनी के पास। दोस्तों इसके अंदर 133 स्क्वायर यार्ड, 145 स्क्वायर यार्ड, 234 स्क्वायर यार्ड और अलग अलग साइजेस के डुप्लेक्स विलास बने हुए हैं। एक थीम मेंटेन की गई है, स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मिटी है सबका, एलिवेशन फ्रंट का साइजेस के अकॉर्डिंगली सेम रखा गया। अंदर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि हम अभी ये बैठे हुए हैं पार्क के अंदर, आप देख सकते हैं कितना अच्छा मेंटेन थीम पार्क है ये। अभी यहाँ पे क्लब ऑपरेशनल नहीं है, क्लब यहाँ पे अभी आना है, बनेगा। स्विमिंग पूल, क्लब, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ आपको मिलती है क्योंकि ये गेटेड कम्युनिटी है। जैसे मैंने बताया 24/7 आपको सिक्योरिटी मिलती है, सारी चीज़ें यहाँ जो एक मॉडर्न फीचर और एमेनिटीज़ एक प्रोजेक्ट पे, मॉडर्न प्रोजेक्ट पे मिलते हैं वो सारे हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं एक 234 स्क्वायर यार्ड का विला। वेल मेंटेन्ड सोसाइटी है, आप देख सकते हैं दोस्तों थोड़ी सड़कें हैं, एक गाड़ी सीधी लगने के बावजूद भी अपनी गाड़ी सीधी आराम से चलती है। दोस्तों ये है 234 गज का 234 स्क्वायर यार्ड का डुप्लेक्स, आप बाहर से एलिवेशन देख सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं। एंटर करते ही आपको लेफ्ट साइड पे एक लॉन मिलता है, ये एक बड़ी गाड़ी की पार्किंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये यूनिट अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी यहाँ पे काम हो रहा है फाइनल। ये एक लॉबी मिल जाती है आपको जो आगे पीछे से पूरा सेटबैक एरिया छूटता है, वेंटिलेशन प्रॉपर मिलता है उससे। ये घर की एंट्रेंस है, स्टेयर्स ऊपर के लिए जाती है। दोस्तों जैसा ये नीचे का फ्लोर है सेम एज इट इज फ्लोर ऊपर है। एंटर करते लेफ्ट साइड को आपको ये मॉड्यूलर किचन दिखेगा। पूरे कबर्ड्स लगे हुए हैं इसमें। अभी सिंक लगना है इसके अंदर और होब और चिमनी की फिटिंग आनी है। ये ड्राइंग एरिया है, काफी बड़ा स्पेशियस एरिया है ड्राइंग एरिया, आप देख सकते हैं। अब आप चाहे तो इस रूम को ऐसे ड्राइंग रूम यूज कर सकते हैं या एक सेपरेट बेडरूम बना सकते हैं। UPVC की विंडो यहां पे इंस्टॉल की गई है, प्रॉपर सनलाइट है। अगर आप उसको एज ए बेडरूम यूज नहीं कर सकते तो ड्राइंग एरिया आप उसको ले सकते हैं। ये एक सेकंड बेडरूम है जिसके साथ अटैच वॉशरूम है। फॉल सीलिंग फैन कंसील लाइट्स की फिटिंग आपको मिलती है इसमें, कवर्स लगाए हुए हैं। कजारिया टाइल्स यूज की गई है, हैवल्स की फिटिंग की गई है इस पे। ये पीछे सेटबैक एरिया जो छूटता है इसमें भी आपको एक स्पेशियस बड़ी लॉबी मिलती है जिसको आप वॉशिंग एरिया अपना बाहर भी लगा सकते हैं।
किसके साथ अटैच्ड है वॉशरूम? ये एक सेकंड वॉशरूम है जो कि कॉमन भी है और अटैच्ड भी है। अभी फिटिंग इसमें होनी है। दोनों बेडरूम के दरवाजे पीछे की तरफ भी खुलते हैं। कबर्ड्स लगा हुआ है। सेम एज इट इज वाला फ्लोर ऊपर वाला भी है। तो आप इसको चाहे तो टू बेडरूम प्लस बड़ा ड्राइंग डाइनिंग एरिया कंसीडर कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसको थ्री बेडरूम और ड्राइंग डाइनिंग एरिया कंसीडर कर सकते हैं। आइए मैं एक बारी आपको अपस्टेयर ले चलता हूँ और वहाँ से आपको रूफ और आसपास का एरिया दिखाता हूँ। क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर भी सेम एज इट इज है, इसलिए मैं इसको आपको अंदर से नहीं दिखा रहा हूँ जैसे नीचे बना है। मैं आपको एक बारी एरिया दिखा देता हूँ। यहाँ इनका सामान रखा हुआ है। खुली चौड़ी स्टेयर यूज की गई है। एसएस की रेलिंग लगी हुई है। ये रूफ है। यहां से प्रॉपर व्यू आता है। आप देखिए प्रॉपर वैली दिखती है। पूरा प्रोजेक्ट का पता चलता है।